यास्मीन तुम आ गई। आ जाओ ये देखो। मैंने भी कुछ चीजें निकाली हैं, क्या ये काफी रहेंगी? क्या लगता है तुम्हें डब्बों में चॉकलेट्स देकर जाएंगे हम? तुम्हें इन चीजों के बारे में जरा भी मालूम नहीं है अदा। अरे इसमें चॉकलेट नहीं है, जबरदस्त केक है इसमें, ये देखो। हम इसे बाद में खाएंगे, तकरीब खत्म होने के बाद। शाबाश लड़की, शुक्र है कि तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। और मैंने भी एक चीज का इंतजाम किया हुआ है। यास्मीन, ये क्या कर दिया तुमने? क्या हम उनके घर ये सब लेकर जाएंगे? हाय हाय, किस किस्म की औरत हो तुम, कुछ समझती ही नहीं हो। अगर मैं ना होती तो पता नहीं क्या होता तुम्हारा। वैसे अब छोड़ो, ये देखो मैं क्या लाई हूँ, देखो देखो। दे 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 दे। यास्मीन ये क्या है? गोंडोला है ये, गोंडोला। ये इस तकरीब का सबसे शानदार हिस्सा है। अब चॉकलेट्स को किसी डब्बों में बंद करने की जरूरत नहीं है, उन डब्बों में से चॉकलेट्स निकालो, इसमें रख देते हैं। नहीं मतलब अभी चॉकलेट आई नहीं है। वैसे कहाँ से मंगवाई है तुमने? जिससे मेरे कैफे की चॉकलेट आती है। हाँ एहसान यहाँ आओ, आओ आओ। तुमने चॉकलेट वाले से बात की? जी कर ली थी लेकिन वो नहीं आ सकते। क्या? उनके पास काम ज्यादा है इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब क्या होगा? क्या मास्टर मुकरम हाथ मांगने खाली हाथ जाएंगे? अच्छा अच्छा ठीक है यास्मीन, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। मर्फ भी नहीं आई अब तक। मुझे मालूम था, अच्छी तरह मालूम था मुझे कि खुशी के मौके पर कोई ना कोई मुसीबत नाजिल होनी ही है। अब देखो ना, मास्टर मुकर्रम इतने सालों बाद शादी करने वाले हैं और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सके। हमें तो पहले से हर चीज तैयार रखनी चाहिए थी ना, लेकिन देखो कुछ भी मुकम्मल नहीं है। देखो यास्मीन, अब हम कर भी क्या सकते हैं, संभालो खुद को। यानी अब हम कैसे जाएंगे, ट्रैफिक बहुत है, उड़कर तो नहीं जा सकते ना। काश कोई मौत सा हो जाए। सलाम। हाय। कहाँ जाना है? इब्राहिम साहब, ये ठीक रहेगा। हाय निजात, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। मुकर्रम साहब बहुत खुश होंगे। तुम उनसे मिले नहीं हो ना? बहुत अच्छे इंसान हैं वो और बहुत जहीन हैं, हर काम कर लेते हैं। और ये सब लैला आंटी को जरूर पसंद आएगा, ये बुके उनकी हवेली के मुताबिक बहुत जबरदस्त है। क्या मतलब? ये फूल वहां पर जाएंगे? हाय निजात, अब ये मत कहना कि ये हवेली के मुताबिक नहीं है। अब ये जैसे हैं इन्हें ऐसे ही रहने दो, मैं ले जा रही हूँ इन्हें, मुझसे इंतजार नहीं। आराम से तुम चली जाओ। लेकिन वो मुकर्रम उस्ताद हवेली हाथ मांगने जाएंगे। हाँ क्यों? तो वो रिश्ता दे देंगे, यकीन नहीं आ रहा मुझे। वैसे दमीर साहब हाँ करवा देंगे। कौन? दमीर साहब? वो भी साथ जा रहा है क्या? लेकिन एक सेकंड, दमीर क्या लड़की वालों की तरफ से जाने वाला है? सलीन और दमीर की लैला आंटी से बहुत अच्छी बातचीत है। हाँ पहले उनके दरमियान घर के हवाले से कुछ मसले मसाइल थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया। लैला और फिरोजे साहब उस घर के पुराने मालिक हैं ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, कमाल है यार, मुझे सच में बहुत हैरत हो रही है। दमीर को ये जिम्मेदारी मिलने पर बहुत खुशी हुई होगी, मैं जानता हूँ उसे अच्छी तरह। और अगर तुम्हें यकीन ना है तो ये तुम खुद भी आजमा लेना, ठीक है? अच्छा खैर तुम जाओ, देर ना हो जाए तुम्हें। और सुनो, दमीर को जाकर मेरी तरफ से बस एक सलाम कह देना, ठीक है? हाँ जरूर निजात, शुक्रिया। कोई काम हो तो मुझे बता देना। अच्छा हाँ, हाथ मांगते हुए तुम वीडियो बना सकती हो क्या वहाँ? और मुमकिन हो सके तो दमीर को ठीक से फोकस करना, उस
उसका जवाब सुनना है मुझे। भूलना मत तुम ये। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। दमीर वाह, काश के मैं भी होता वहां। खैर कोई बात नहीं, अपने हिस्से का तक मैं उसे बाद में कर लूंगा। मुझे क्या कहना होगा। हाँ, नौजवानों के दरमियान नहीं, एक तवील गुफ्तगु के बाद ये ठीक नहीं है। एक मिनट सोचना पड़ेगा, क्या कहूं, कैसे जवान आप? वो तो जवान नहीं है, रहने दो आप। सेलीन जल्दी करो, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। एक बात है, वैसे मुकर्रम उस्ताद थोड़े जवान है, उसे बाद में कोई मसला नहीं होगा। खैर मुझे इससे क्या, जाने देता हूं। वैसे भी उमर एक नाजुक मामला है, ये नहीं कहना चाहिए मुझे। हाँ, हमारी लड़की और आपका लड़का, मतलब थोड़ा बड़ा लड़का। नहीं नहीं, समझ नहीं आ रहा। लैला साहिबा और मुकर्रम। माफी चाहती हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई। काश ये वक्त यहीं थम जाए। तो अब क्या हम चलें दमीर? एक बात बताओ मुझे, क्या ये सब मुझे करना जरूरी है? दमीर चलते हैं। आप लोग ऑफिस से आ रहे होंगे ना, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों को भूख लग रही होगी, तो इसीलिए अभी से खाना लगा दिया मैंने। बहुत अच्छा किया, भूख के मारे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, चक्कर आने लग गए थे। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया, हर चीज बहुत लजीज है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो बताएं कि ये काम क्या करते हैं? ये एक बहुत बड़ी कंपनी में कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डिजाइन के मैनेजर की हैसियत से काम करते हैं। सैलरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। और घर गाड़ी? फिरोज ये किस तरह के सवाल कर रही हो तुम? पता नहीं, अब कुछ ना कुछ तो सवाल करना ही होगा ना। कोई बात नहीं, आप पूछिए। मोहतरमा, मेरे पास गाड़ी भी है और घर भी, लेकिन लैला साहिबा का असल घर बस मेरा दिल होगा। कहीं ये बातें सुन के बेहोश ना हो जाऊं, कितने रोमांटिक है ये। हमारे मास्टर जी ऐसे ही हैं, इनके ऐसे खूबसूरत अल्फाज हम सबका दिल जीत लेते हैं। हाँ, अगर मेरे हाथ में होता तो फौरन हाँ कह देती। तो चले फिर, अब इंतजार किस बात का, जल्दी से कॉफी पी लेते हैं। कैसी कॉफी पीना पसंद करेंगे आप लोग? आप क्यों सहमत करेंगी, बैठे मैं बना कर लाती हूँ। वैसे भी मुझे मालूम है कौन किस तरह की कॉफी पीता है। ये नहीं हो सकता यास्मीन, तुम लड़के वालों की तरफ से हो, तुम ही सोचो कि लड़के वाले लड़की वालों के घर कॉफी कब बनाते हैं। सही कह रही हूँ ना मैं? सही कहा, वैसे भी लड़के वालों के बहुत नखरे होते हैं। वो लैला आपके लिए कॉफी बना देगी। सेलीन, तुम क्या लैला की मदद कर दोगी? जी बिल्कुल, इजाजत चाहती हूँ करम। जी जी जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी आई। हाँ तो बताएं आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। बाबा, ये सब कुछ लिखते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पहली बार मैं अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रही हूँ।
आप तो जानते हैं ना, मैंने हमेशा अपने मसाइल का खुद हल निकाला है, लेकिन इस दफा नाकाम हो गई हूं। मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? जानता हूं कि दमीर के सामने झूठ बोलना तुम्हारे लिए मुश्किल था, हमारे पास रास्ता नहीं था कोई। यिल्दिरिम की सच्चाई हम दमीर को नहीं बता सकते। ये मत कहना कि तुम अपने बाबा को सब बताने वाली थी। ये लो, बहुत शुक्रिया। ये लो यास्मीन। शुक्रिया दुल्हन साहिबा। कोई बात नहीं यास्मीन। मुकर्रम साहब, ये आप उठा लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये लो मेरी बहन। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये लीजिए दमीर साहब। शुक्रिया। ख्याल से, गरम है। बहुत शुक्रिया। इंजॉय करो। किसने बनाई है? मैंने। इसमें नमक डाला है? हाँ, जाहिर सी बात है। सेलीन, ये बहुत बुरी बात है, इतने बड़े आदमी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। ये एक रस्म है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इन्हें भी तो हर चीज का तजुर्बा होना चाहिए ना। सही कह रही हूँ? तुम जैसी जालिम इंसान मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं भी नहीं। ठीक है, पी रहे हैं। देखो। ओ। देखो। जबरदस्त, इन्होंने बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया। क्या बात है, बहुत खूब। आप सब हमारे यहाँ आने की वजह जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। मुझे जानने वाला हर शख्स मुझे पसंद करता है। मैं कैसा हूँ, मेरी जिंदगी कैसी है, मेरी आदतें कैसी हैं। उम्मीद करता हूँ लैला साहिबा ने मेरा बेहतर तारुफ पेश किया होगा। तो बात दरअसल ये है कि अल्लाह के हुक्म और नबी की सुन्नत के मुताबिक लैला साहिबा का दमीर साहब से हाथ मांगता हूँ। वैसे आपको फिरोज साहिबा से हाथ मांगना चाहिए, है ना? क्यों, सही कहा ना मैंने? मगर दमीर बेटा, लड़की का हाथ घर के मर्द से मांगा जाता है। अब इस घर में कोई मर्द तो बचा नहीं, सभी मर्द गुजर गए। अब घर में हमारे एक तुम ही मर्द बचे हो, तो ये तुम्हारा ही फर्ज है बेटा।
ठीक है, आप कह रही हैं तो देखें। मुकर्रम साहब, लड़की को चाहने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन पाने वाला सिर्फ एक। नहीं, लैला को कोई नहीं चाहता, यानी फिलहाल ये बात भूल जाओ। अभी जो हमारे सामने है उसकी बात करो। ठीक है, तो बात ये है कि लैला साहिबा और मुकर्रम साहब, इन दोनों की एक मुलाकात हुई, एक दूसरे को जाना, और उसके बाद दोनों ने फैसला किया। लेकिन मैं शादी से पहले चाहता हूं कि कुछ उसूल आप सब जान लें जो आपके लिए बहुत जरूरी होंगे। कैसे उसूल? जैसे सोने के वक्त, हाँ, घर के काम आपस में बांट लेना, परेशानियां हल करने के तरीके, और मेहमानों के साथ मेहमान नवाजी। मेरे ख्याल से ये सब समझना साथ रहने के लिए तो बहुत जरूरी है। दमीर, ये क्या कह रहे हो? उनकी तरफ देखो, बेहोश हो जाएंगे। हाँ ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल हमें काम की बात करनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अब ऐसा कुछ मत कहना। तो फिर रुके जरा दमीर साहब। फिरोज साहिबा की इजाजत लेके मैं लैला साहिबा को मुकर्रम साहब के दिल में रहने की और इस शादी की आप सबके सामने इजाजत देता हूं। हाथ आगे लगे। एलूल प्लीज, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था, यह सब कुछ आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से जानता था यह सब कुछ होगा। देखो, अब जो कुछ भी हो गया उसका कुछ नहीं हो सकता, दमीर को या तुम्हारे बाबा को बताने से। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम बदल सको। जानते हो ना, मेरे इस प्लान ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। कुछ भी ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ तो मामला और बिगड़ चुका है। अगर यिल्दिरिम साहब ने वो तस्वीरें प्रोसिक्यूटर को भेज दी तो जानते हो ना क्या होगा? तुम्हारा ताल्लुक माफिया से है, ये सबके सामने आ जाएगा, और चाहते हुए भी तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें भी बर्बाद कर दिया। कुछ बर्बाद नहीं किया तुमने, वो सब कुछ मेरी वजह से। मैंने तुम्हें अंधेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे अंधेरे की आदत है,
अरे सच में ये कितनी हसीन रात है, है ना? खुशियों से भरी हुई रात। हाँ। यास्मीन साहिबा, आपने बहुत मेहनत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आप लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चॉकलेट बहुत ही मजे की है। ये निकाले। मैं माजत खाऊं, मुझसे ये सब बेध्यानी में हो। कोई बात नहीं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जब मेरा रिश्ता आया था ना, तो हमारे घर में एक बहुत बड़ा सा आईना था, वो आईना गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। पता है, नजर से बचने के लिए होता है। इन बातों से याद आया, मेरी दोस्त थी, कुछ लोग उसका रिश्ता मांगने आए थे, अचानक लाइट चली गई। और जब लाइट आई तो हम सबने देखा कि दुल्हा ही नहीं था, वो वहाँ से भाग गया था, वो भी दुल्हन की दोस्त को लेकर। क्या कह रही हो यासमीन? जब हम निजात का रिश्ता लेने गए थे तो उन्होंने भी नमकीन कॉफी बनाई थी। निजात आराम से सारी कॉफी पी गया, उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उस कॉफी का मैंने पहला घूंट लिया, वो इतनी शदीद नमकीन थी कि क्या बताऊं। तो तुमने पी ली थी ना? पी ली थी ना तुमने? निजात साहब भी ना कुछ अलग तरह के इंसान है। एक मजे की बात बताऊं, साबिर का बेटा लड़की का हाथ मांगने गया तो पूरा खानदान उठ के वहाँ पे चला गया, जब इतने लोग देखे तो सब उठकर भाग गए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरा रिश्ता आया था तो मैंने उनके साथ 20 लोगों की चाय बनाई थी यार। क्या दिन थे वो। अल्लाह। हाँ तो मुझे अब आप लोग इजाज़त दीजिएगा, दरअसल मर्फ के साथ मसला जो चल रहा है, वो बहुत परेशान रहती है आजकल, तो मैं जाकर उसे देखकर आती हूँ कि वो किस हाल में है। ठीक है, आप लोगों को खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, खुदा से यही दुआ है मेरी कि आप दोनों ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। और वैसे भी बाहर जाने का रास्ता मुझे मालूम है, मैं खुद भी जा सकती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। शब खैर। लैला साहिबा, मुकर्रम साहब, आप दोनों को बहुत मुबारक। इस खास मौके पर आप लोगों ने मुझे याद रखा, बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमेशा खुश रहें यही चाहता हूँ, यही दुआ है मेरी। अब मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूँ। शब खैर दमीर साहब। क्या मतलब टैक्सी नहीं है, कोई तो होनी चाहिए ना। क्या कहा, मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। देखे कोई और तो टैक्सी होगी ना, मैं इंतजार कर लेती हूँ। सेलीन, टैक्सी आ रही है, उसी में चली जाऊंगी मैं। टैक्सी की क्या जरूरत है, एक ही जगह तो जाना है, साथ चलते हैं और उसके बाद जहाँ भी जाना हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कोई जरूरत नहीं उसकी, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, वैसे भी थोड़ी देर में आने वाली है, तुम जा सकते हो। तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने हैं, ये बात जानती हो ना तुम, इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगा मैं तुम्हें। मैं क्यों भागूंगी तुमसे, हाँ कोई बुरा काम नहीं किया है मैंने, वैसे मतलब क्या है? यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं, ये रिश्ता लेने वाली बात से क्या मतलब था तुम्हारा? दरअसल जहाँ से मेरा ताल्लुक है वहाँ ये बात बहुत आम सी है दमीर, जैसे ही लड़की बड़ी होती थी उसे नजर में रखते थे। हाँ, ये नजर रखने से क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो मालूम तक नहीं था, वो लोग अचानक घर पे आ गए थे, चाहे उन लोगों को इनकार ही क्यों न किया जाए, इसके बावजूद भी उन्हें चाय या कॉफी पिलानी पड़ती थी। तो तुमने मेहमान नवाजी की, समी साहब, रेहान साहब, तुम बैठकर उनकी मेहमान नवाजी कर रहे थे। अच्छा तो और बताओ, तुमने कॉफी बनाई फिर क्या, और आने वाले मेहमानों की कॉफी में नमक भी तुम्ही ने डाला था। दमीर देखो, इसके अलावा यानी जो लड़का था उसे पहले से जानती थी मैं, स्कूल का दोस्त था मेरा। अच्छा, यानी बचपन की मोहब्बत थी, तुम उसे पहले से जानती थी। हाँ
रास्ता दो मुझे। कहाँ जा रही हो? हाँ इधर आओ, जवाब चाहिए मुझे। पहले तो तुमने मुझे एक छोटे से शहर की कहानी सुनाई जैसे कि तुम उन्हें जानती तक नहीं हो, और उसके बाद हाँ कहने लगी कि वो तुम्हारा स्कूल का दोस्त है। देखो सलीन, ये जो भी कहानी है मुझे सब कुछ सच बताओ। स्कूल खत्म होते ही हम एक दूसरे से नहीं मिले थे, मुझे क्या मालूम था कि सालों बाद रिश्ता लेने आ जाएगा वो मेरा। ये सब मुझे कैसे पता होगा सलीन, ये तो तुम बताओ, ऐसा क्या हुआ कि वो तुम्हें सालों बाद भी नहीं भूला? कहाँ? इसमें बुरा बनाने वाली क्या बात है, बचपन का वक्त था वो, एक दो दफा फिल्म देखने साथ में चले गए, हाथ पकड़ के घूमे थे और कुछ नहीं। फिल्म देखने गए थे? कौन सी मूवी देखी थी, हॉरर थी क्या? सच कहूँ तो वो भी नहीं देखी। तो तुमने उसके साथ मूवी नहीं देखी थी? ठीक है। दमीर साथ गई थी लेकिन वापस आ गई थी। क्यों? पेट में दर्द हो रहा था। तो तुम इतनी एक्साइटेड थी? देखा, समझ गया मैं। दमीर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतने सालों बाद उसको तुम्हारा हाथ मांगने का अचानक ख्याल कैसे आ गया? मुझे नहीं मालूम दमीर, बस आ गया होगा ख्याल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो उल्टा जरूर हुआ होगा। जैसे कि मैं किसी भी लड़की को फिल्म देखने के बाद तो कभी भी प्रपोज ना करूं मैं। क्या वाकई में? तो बताओ प्रपोज करने का अच्छा वक्त कौन सा होता है, मुझे भी तो पता चले। रुक जाओ, ये वाली बात तो अभी रहने दो, भूल जाओ उसे। अच्छा वाकई, क्यों रहने दूं, क्यों भूल जाऊं? क्योंकि हम ये बात कई बार कर चुके हैं, अब तुम अपनी बात करो। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं अंदर जा रही हूँ। तुम भाग नहीं सकती, इस तरह नहीं जा सकती। मुझे मेरे सवालों का जवाब बिल्कुल ठीक से नहीं मिला है, जवाब चाहिए मुझे। और हाँ सुनो जरा, ये तो बताओ क्या तुमने उसके साथ डांस भी किया था स्कूल में या फिर किसी और पार्टी? ये तो जंगली बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। क्या करें अब, पानी फेंक दे क्या इन पर? मर्फ वो बिल्लियाँ नहीं है, रुको मैं देखती हूँ। ये वही है जिसके साथ तुम अक्सर शाम को समंदर किनारे सनसेट देखने जाया करती थी। आखिर तुम किस कदर जिद्दी इंसान हो, आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि वो लड़का इतने अरसे बाद भी तुम्हारा हाथ मांगने चला आया? दमीर मैंने कुछ नहीं किया था। कुछ तो किया होगा। बताती हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं देखा, हट जाओ यहाँ से। कोई गलत मतलब मत लेना, गुस्से में थी मैं। प्यार में हो गया, इसका मतलब बहुत कुछ था। उफ तमीर, इम्तिहान मत लो ना मेरा। इम्तिहान ना लूं मैं? और मुझे तो अभी पता चला है कि इसका हाथ मांगने भी कोई आया था। इम्तिहान तो मेरा चल रहा है यहां पे। देखो हर किस कुछ मत पूछना ऐदा, मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी आज। देखा तुमने, इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने मर, वो हमारे बॉस हैं। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा, नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा, ना तुमने देखा। सब देखा। अहमक कहीं का, उसने तुम्हें गले भी नहीं लगाया और तुम उसका हाथ मांगने चले गए। उफ, ये मैंने
क्या किया? नहीं, गुस्से में हुआ वो, गुस्से में थी, जानबूझ के नहीं किया। अगर गुस्से में ना होती तो दूर रह पाती उससे। उस लड़के का नाम क्या है? जाकर सो जाओ दमी। मुझे उसका नाम बताओ। जानकर क्या करोगे तुम? स्नोप में जाके ढूंढोगे उसे? तो वो स्नोप में रहता है। वहां की आबादी 34,800 की है, क्या घर घर जाके ढूंढोगे? कोई बात नहीं, मैं कौन सा सारे दरवाजों पर जाके पूछने वाला, तुम्हारे बाबा से पूछ लूंगा। मेरे बाबा से कैसे पूछोगे, उनका तो नंबर नहीं है तुम्हारे पास। उफ बाबा, क्या जरूरत है नंबर देने की? लेकिन बाबा को तो याद भी नहीं होगा कि कौन सा वाला लड़का। कौन सा वाला? यानी कितने लड़कों ने तुम्हारा हाथ मांगा है? हाँ, हद है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अभी खबर लेता हूं। तो कॉल काट दी, कोई बात नहीं, कल ऑफिस तो तुमने आना ही है ना, वही सामना होगा। हाँ, मेरी कॉल काट दी।